subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मिम्रे नूर पर तशरीफ फरमा बावकार मौज्जज उलमाए इकराम व जुमला सामईन इकराम और पर्दे की आड़ में ख्वातीन इस्लाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू नहमदुहू व सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين थोड़ा सा रिपीट कम कर दीजिए हजरत हर मुकर्रर खुतबे मसनूना के बाद किसी ना किसी आयत करीमा या हदीस मुबारक को अपना उन्वाने सुखन बनाया करता है। इसी कानून और जाब्ते के तहत मैंने भी एक बहुत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। उससे कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम तमामी हजरात मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार हम फकीरों के आका लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता हम गरीबों के आका हम बीमारों के तबीब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और उस महबूब की बारगाह में हम क्यों ना दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश करें जिस महबूब की बारगाह में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब इस दुनियाए फानी में तशरीफ लाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तौबा को अल्लाह तबारक व ताला हमारे नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की बरकत से उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। हजरत हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब इस दुनियाए फानी में तशरीफ लाए तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े और हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर जितने भी अंबियाए किराम अंबिया और मुसलमान इस दुनियाए फानी में तशरीफ लाए यानी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी अंबियाए किराम इस दुनियाए फानी में तशरीफ लाए तो सभी ने दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाया। अंबिया और रसूल के बाद जितने भी खुलफा आए जितने भी शहदाए किराम अज़्ज़ाज़े मुतहर्रात अहले बैत अतहर खुलफाए राशिदीन ताबईन तबा ताबईन कुतुब अब्दाल औलिया किराम बुजुर्गान दीन और हमारा और अकीदा यही भी है यहाँ तक के नहीं बल्कि जितने भी अंबियाए किराम वल मुसरीन जितने भी इंसानी नस्ल यहाँ इस दुनिया में तशरीफ लाए जितने भी लोग इस दुनिया में तशरीफ लाए सबों ने दुरूद पढ़ा दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश किया और क्यों ना हम दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहु मलाइकतु युसल्लूना अलन्नबी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अंबियाए किराम अल्लाह उसके फरिश्ते नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराने अकीदत पेश फरमाते हैं इन्नल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लूना अलन्नबी बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करते हैं इन्नल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लमु तस्लीमा ऐ ईमान वालो तुम भी अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पढ़े। आइए हम तमाम हजरात मिलकर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर धूम झूम झूम कर दुरूद व सलाम का नजराने अकीदत पेश करें और पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے میرے پیارے محبوب تم لوگوں سے فرما دو
अगर तुम मुझे दोस्त रखना चाहते हो तो मेरे फरमाबरदार हो जाओ, मुझसे मोहब्बत करने वाले हो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना दोस्त रखेगा, तुम्हें अपना महबूब बनाएगा। हजरत मोहतरम आला हजरत बड़ी बेहतरीन अंदाज में फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। और फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। और एक आखिरी शेर, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरत इश्क मोहब्बत अगर नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर इश्क और मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दो आलम में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं ये इश्क मोहब्बत ही का जलवा है। कोई शख्स अपने औलाद के मोहब्बत में दुकानों मकान फैक्ट्री दीगर चीजों की तामीर करता हुआ नजर आता है, कोई किसी की मोहब्बत में किसी चीज के लिए कर रहा है, कोई किसी की मोहब्बत में फला फला चीजों की तामीर करवाता हुआ नजर आता है, कोई किसी की मोहब्बत में कुछ तो कोई किसी की मोहब्बत में कुछ करता हुआ नजर आता है। लेकिन खालिक कायनात अल्लाह तबारक व ताला आलो औलाद से पाक है, तमाम चीजों से पाक है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जमीन का फर्श बिछा डाला, आसमान के सामियाने को लगा डाला, फरिश्तों को पैदा फरमाया, जिन्नो इंसा को पैदा फरमाया, अर्श से लेकर फर्श तक तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में पैदा फरमा डाला। हजरत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम चीजों को पैदा फरमा डाला, यहाँ तक के अंबिया और रसूल। अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम से फरमाता है, ऐ आदम अगर मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना ना होता तो ऐ आदम मैं तुम्हें भी पैदा ना फरमाता, ऐ आदम मैं तुम्हें भी इस दुनिया में पैदा ना फरमाता। हजरत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन की असल है, ईमान की बुनियाद है। आला हजरत फरमाते हैं उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरत मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन की असल है। तमाम आदमी आदमियों को अपने आलो औलाद नात बात रिश्तेदार अपने घर वालों से तमाम चीजों से मोहब्बत करने को मना नहीं फरमाया गया, यहाँ तक के तमाम रिश्तेदारों से फरमाने मोहब्बत फरमाने के लिए फरमाया गया। आप हजरात बैठे और इधर उधर अफरा तफरी ना करें, अभी सैयद आले रसूल हजरत सैयद इजहार हसन साहब क़िबला की आमद आमद होने वाली है, और एक अजीम हस्ती जो अभी बलरामपुर की सरजमीन से अपने गाड़ी के साथ निकल चुके हैं, जिन्हें सारी दुनिया हजरत सैयद अहमद रजा साहब क़िबला के नाम से जानती है, जो हुजूर शेखुल इस्लाम के खलीफा हैं, इंशाअल्लाह मौला ताला उनको आप ज़ियारत से मुस्तफ़ीज़ होंगे और ज़ियारत से आप मालामाल होंगे, आप ताफ़ीर